एक चेहरे पे है कई चेहरे, चाहे मिट्टी के हो या इंसान के। बाजार में आए हो दाम लगाने से पहले आजमा लेना, वक्त रहते कहीं बदल ना जाए ये अजनबी चेहरे। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके सामने एक मशहूर अभिनेत्री की बायोग्राफी लेके आई हूँ। तो मशहूर अभिनेत्री जो हैं वो हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। तो दोस्तों, क्या आप ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के बारे में नहीं जानना चाहते? ये वही मीना कुमारी थी जिसको देखकर राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेता भी डायलॉग भूल जाते थे, और डाकू भी थे उस ट्रेजेडी क्वीन के फैन। तो दोस्तों, बॉलीवुड की अनमोल रतन यानी कि मीना कुमारी को लोग यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहते थे। उनकी फिल्मों की तरह उनकी लाइफ भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। वे बेहद ही खूबसूरत थी। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग किसी पर फिट बैठता है तो वह है बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। सिंड्रेला या ट्रेजेडी क्वीन, ये दोनों ही नाम मीना कुमारी के हैं। मीना की फिल्में लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। फिल्मों में वे अक्सर दुखद किरदार ही निभाया करती थी। उन्हें देखकर लोग अक्सर यही कहते थे कि यही है उनकी मोहब्बत, उनकी सिंड्रेला, उनके दिल का चैन, ख्वाबों की परी और हकीकत की अप्सरा। मीना कुमारी का असली नाम महज़बी बानो था। उनका जन्म अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हुए थे। वे हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, उर्दू कवि थे और थिएटर से भी जुड़े थे। इसके साथ ही फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी किया करते थे। अली बख्श से शादी से पहले प्रभावती देवी रंगमंच में नृत्य किया करती थी। प्रभावती देवी मीना कुमारी की माँ थी। प्रभावती देवी का नाम अली बख्श से शादी के बाद इकबाल बेगम हो गया। अली बख्श से शादी के बाद उनके परिवार की स्थिति और भी ख़राब होती चली गई। इकबाल बेगम को गरीबी के दिन देखने पड़े। वो इतनी गरीब थी कि मीना कुमारी के जन्म के समय उनके पास अस्पताल में डिलीवरी तक के पैसे भी नहीं थे। घर की गरीबी को देखते हुए मीना ने 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। उनके घर के आर्थिक हालात इतने ख़राब थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर अभिनय की दुनिया में रुक करना पड़ा। मीना को पैसे कमाने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे मस्ती और पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में मासूम मीना फिल्मों में काम करके अपने घर का पालन पोषण कर रही थी। महज 4 साल की मीना घर के खर्चे संभालने लगी। उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम मिलने लगा। उन्हें सभी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेबी मीना पुकारते थे। मीना पूरे परिवार की रोजी रोटी चलाती। उनकी शुरुआत की ज़्यादातर फिल्में ही नहीं चली। फिल्मों के अलावा मीना गाना भी गाया करती थी। मीना को बचपन से ही गाना गाने का शौक था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिल्मों में उनका संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीना कुमारी का इंडस्ट्री में ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही कोई रिलेटिव। अगर कुछ था तो घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करने की मजबूरी और उसके साथ ही उनकी लाजवाब एक्टिंग की प्रतिभा। इतना संघर्ष करने के बावजूद आखिरकार मेहनत रंग लाई, आखिरकार किस्मत ने पलटी खाई। और वो एक दिन उनकी लाइफ में आ गया जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बाबरा मिली। फिल्म बैजू बाबरा से मीना कुमारी की किस्मत चमक उठी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म में उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई। लेकिन इसी फिल्म के दौरान एक हादसा भी हुआ। फिल्म बैजू बाबरा साल 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल फिल्म का एक सीन था जिसमें मीना कुमारी को नाव में एक सीन करना था। सीन के दौरान मीना पानी में गिर गई और लगभग डूब ही गई थी। लेकिन वो कहते हैं, जाकू राखी साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही चमत्कार कुछ मीना के साथ भी हुआ। मीना को आखिरकार उनकी फिल्म की कास्ट ने मिलकर
पानी से निकाला। उस दिन मीना बाल बाल बची थी। फिल्म में मीना को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। एक उभरती हुई एक्ट्रेस के साथ साथ अब वह एक ट्रेजेडी क्वीन भी बनती जा रही थी। फिल्म बैजू बावरा के बाद मीना की लाइफ में कई हादसे हुए। एक बार की बात है, जब मीना मुंबई और महाबलेश्वर के रास्ते से कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सीडेंट में मीना की बाएं हाथ की उंगली तक टूट गई थी। यही कारण है कि मीना ज़्यादातर फिल्मों के दौरान अपने बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे से लपेटे नजर आती है। ऐसे तो मीना के लिए सभी फिल्में खास थी, लेकिन पाकीज़ा उनकी सबसे खास मूवी थी। कई फिल्मों को जैसे स्पेशली मीना कुमारी के लिए ही बनाया गया था, जिसमें शामिल एक फिल्म पाकीज़ा भी थी। फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल का समय लगा था। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही ने फिल्म के एक सीन के लिए फुहारों में गुलाब जल तक डाले थे। ये फुहारे हूबहू ताजमहल के पास बने फुहारों जैसे बनाए गए थे। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने सभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म पाकीज़ा का नाम बीच में बदलकर लहू पुकारेगा कर दिया गया था, लेकिन बात कुछ जमी नहीं, इसलिए कमाल ने फिर से फिल्म का नाम पाकीज़ा रख दिया था। कहते हैं कि कमाल और मीना ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप निकाह कर लिया था। बताया जाता है कि दोनों का निकाह 2 घंटे के अंदर हुआ था। मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी चल रही थी। वो जिस क्लिनिक में जाती थी वहाँ उनके पिता रोज़ 8 बजे छोड़कर उन्हें जाते थे और 10 बजे लेने आते थे। इस दौरान उनकी बहन मधु भी साथ होती थी। 14 फरवरी को दोनों इस 2 घंटे के दौरान ही दोनों ने निकाह कर लिया और फिर कमाल सियोन चले गए थे। मीना बहन मधु के संग घर लौट आई। इस शादी को एक्ट्रेस ने मीडिया और अपने परिवार से छुपा कर रखा था। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे भी थे। हालांकि कुछ महीनों बाद मीना और कमाल की शादी का राज भी खुल गया। मीना कुमारी ने पिता का आशीर्वाद मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसके बाद वो पति कमाल अमरोही संग रहने सियोन चली गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मीना और कमाल के बीच में अनबन शुरू हो गई थी। हालांकि शादी के बाद अमरोही ने मीना को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन उनके सामने कई शर्तें भी रखी थी। इन शर्तों को मीना कुमारी ने माना तो था, लेकिन उन्हें तोड़ती भी वो खूब थी। अमरोही हमेशा उन्हें शक की नज़र से देखते थे। हालांकि अमरोही ने कभी भी इस बात को नहीं माना, लेकिन एक्ट्रेस नरगिस ने भी इस बारे में बात की थी। 1964 में मीना और अमरोही अलग अलग हो गए थे। अलग होने के बावजूद भी मीना कुमारी ने अमरोही की पाकीज़ा फिल्म में काम किया था। कहते हैं कि मीना कुमारी इतनी खूबसूरत और एक मशहूर अभिनेत्री थी कि डाकू तक भी उनके फ़ैन थे। एक बार की बात है कि जब मीना अपने पति कमाल अमरोही के साथ एमपी के शिवपुरी से कहीं जा रही थी, तब रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उस वक्त उन्हें डाकुओं ने घेर लिया था। तब उस समय मीना पहले तो उन्हें देखकर काफ़ी घबरा गई, लेकिन डाकू ने मीना को देखा तो वह उन्हें एक टक देखता ही रह गया। वह डाकू मीना का फ़ैन था और इस तरह से अचानक से मीना को सामने देखकर वह डाकू हैरान हो गया। उन डाकुओं की टुकड़ी ने मीना और कमाल की खूब खातिरदारी की थी। जब सुबह हुई तो डाकुओं ने मीना के लिए पेट्रोल का भी इंतजाम किया। जब मीना और कमाल वहाँ से जाने लगे तब एक डाकू ने चाकू निकाला। दरअसल वह डाकू चाकू की धार से अपने हाथ पर मीना का ऑटोग्राफ चाहता था। इतनी कामयाब अभिनेत्री होने के बावजूद भी उनके आखिरी दिन बेहद ही दर्दनाक थे। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला था कि वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित है। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही एक्ट्रेस नरगिस ने उन्हें एक खत लिखा था। नरगिस ने लिखा था, मीना मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों,
आपको ट्रेजडी किंग मीना कुमारी की ये बायोग्राफी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पुरानी तस्वीरों में ऐसा क्या है जो जब दिख जाती हैं तो मैं गौर से देखने लगता हूँ।